cierto. ये क्या कर रहे हो भाई? यही चाहिए ना तुम्हें? तुम इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? तुम्हारा सपना है ना कहना? उठाओ ना, उठाओ पैसे। ये पैसे ही तुम्हारा सपना है ना? तो ये पैसे और चाहिए तुम्हें? ले लो। मैं सपने में भी नहीं सोचा था ना कि तुम इतनी बदल जाओगी, कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। मैं सोचा नहीं था कि शहर तुम्हें इतना बदल देगा। पता चला कि तुम इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती, क्यों तुम्हें उल्टे फेरे पड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये वंश के पैसों ने तुम्हें अंधा बना दिया है। कल जिसका प्रपोजल तुमने ठुकरा दिया था, आज उसी के महंगे कल्फ ने तुम्हें पागल कर दिया है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें वंश के अंदर पैसा और भविष्य दोनों दिखाई दे रहा है ना? तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें बहुत बड़ी डिजाइनर बना देगा? हमारा क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं है। इसलिए तुमने हमें ठुकरा कर इस वंश को स्वीकार कर लिया है। एक्सेप्ट किया जिसके कंगन पहने हो तुम्हें, ये भी नहीं पता कि किसके कंगन पहने। तुम हमें पागल समझती हो? हाँ, तुम चाहे चालाक हो सकती हो लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। हम ही गलत थे, तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाए। पैसे की भूखी हो तुम गहना, पैसे की भूखी। तो जाओ, जाकर शादी कर लो उससे, क्योंकि तुम्हें वैसे भी किसी और की कोई परवाह नहीं है। ये सीन एक ऐसा सीन है जहाँ पर गौरव को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है गहना और वंश को लेकर। बेसिकली जो कंगन है वो गहना को बड़ी मेम साहब ने दिया होता है और गौरव को लगता है कि ये वंश का कंगन है क्योंकि वो दोनों सिमिलर हैं। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और गौरव को लगता है कि गहना बहुत ही ओवर एम्बिशियस हो गई है, पैसे के पीछे भागने लग गई है। तो गौरव थोड़ा ड्रंक है, वो लास्ट नाइट उसने बहुत पी है, तो वो आकर गहना के सामने पैसे ऑफर करता है और उसको इल ट्रीट करता है बेसिकली, और बोलता है कि तुमको पैसे अगर चाहिए तो ये लो पैसे, में तो मैं और देता हूँ, तुम पैसे के लिए बिक गई हो एंड दिस एंड दैट। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको, उसके बाद जाके गौरव को रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली गौरव गलत था, गहना के बारे में वो गलत सोच रहा था और ऐसा कुछ नहीं था। तो वही सीन है जहाँ पर एक बार उसको इल ट्रीट करने के बाद गौरव दोबारा आता है और उससे माफ़ी मांगता है, बट ऑब्वियसली जैसी बातें जिस तरह से उसको उसने गहना को ट्रीट किया होता है, गहना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है उसको, तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो अब वो उसको माफ़ नहीं कर रही है, उसको वो धक्के मार के रूम से बाहर निकाल रही है। ये सीन था। उसके नेक्स्ट सीन ही है जहाँ पर गौरव आके उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन जिस तरह की मीन बातें गौरव ने बोली है गहना को, कोई भी लड़की उसको इतनी आसानी से माफ़ करने वाली है नहीं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी भर आपको याद रह जाती हैं। तो वही गहना इस सीन में कह रही है कि बाकी सब चीज़ें हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जो आपने चरित्र पे हमारे लालचन लगाया है वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाई, आई एम रोहित पुरोहित एंड यू वॉचिंग मी ऑन PNTV।